पिछले कई सालों से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप का फायदा नहीं उठाते हैं। स्टूडेंट्स रहते हैं, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्कॉलरशिप। कर्नाटक की कुमार और ये जो कांग्रेस जो अपोजिशन जो अपना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को थी, इनको मैं क्लियर मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये हम ना बीजेपी ना हम कांग्रेस, हम लोग जनता दल पार्टी की टीम है। हम लोग वी आर जेडीएस। अल्लाह में दाल का हाथ निकालना पार्टी के नौजवान, कुछ नौजवान हम लोगों को जेडीएस टीम को रिक्वेस्ट किए वीडियो के माध्यम से कि उनको जॉब नहीं मिली। अगर जॉब मिली तो भी रिकमेंडेशन पूछा जा रहा, पैसा पूछा जा रहा, नौकरी। माँ बाप अपने पेट को काट कर मेहनत करके जिद्दोजहद करके स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं। और दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो जब पढ़ाने के बाद भी ये लोगों को नौकरी नहीं मिली। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Jai Hind Sathiyo, main Siraj Shahabdi, district president labor wing Gulbarga. Ye press conference karne ka maqsad, aaye din hum logo ko students ke kai sare complaints aa rahe hain yahan par scholarship ko leke. Pichle kai saalon se kai sare students hain jo scholarship ka fayda nahi utha rahe. इसके पीछे जब हम एक छोटा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि खास जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज को टारगेट कर कर उनके स्कॉलरशिप को रोका जा रहा है। कई सारे स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स, जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स रहते हैं, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्कॉलरशिप। मिसाल के तौर पर देखेंगे तो मेरा भी जो MBA कम्प्लीट हुआ वो स्कॉलरशिप से ही कम्प्लीट हुआ। तो मेरे जैसे से कई सारे लोग हैं आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, एंटायर कर्नाटका में, सारे हिंदुस्तान में, जो स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है। पैंडेमिक के सिचुएशन से कई सारे लोगों के कारोबार पे इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट पड़ने के बाद ये हुकूमत की जिम्मेदारी रहती कि स्टूडेंट्स को, जो के आने वाला फ्यूचर है हिंदुस्तान का, उनको स्कॉलरशिप देकर उनके एजुकेशन को कंप्लीट करने में उनकी मदद की जाए। बशर्ते ये ना होते हुए हुकूमत कई सारे स्कॉलरशिप्स को, कई सारे स्कीम्स को निकाला जा रहा, उनको डिबार किया जा रहा। इसलिए हम लोग जनता दल पार्टी के तरफ से ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुए उनके लिए आवाज उठाना और उनके हक में लड़ना। तो तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट जिसके स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुए, चाहे वो लेबर विंग लेबर डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो KMTC के हो, चाहे वो NSP के हो या स्टेट लेवल के हो, जितने स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुए उनसे और उनके घर वालों से, उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उनके फाइल्स जो रिजेक्ट फाइल हुए वो फाइल लेकर हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर वीडियो के माध्यम से और एक टैंपलेट एडवर्टाइज टैंपलेट के जरिए से हम लोग को शेयर करने वाले हैं। आप लोग रेस्पेक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर वहां पर जाकर आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। 15th ये जो आने वाली 15 तारीख है, 15 तारीख तक की डेडलाइन हम लोग अरेंज किए हैं। तो वहां पर चाहे वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तालुका है वहां के भी हेल्पलाइन नंबर हम लोग इश्यू कर रहे हैं, जैसे कि वाड़ी, शाहबाग, चितापुर है या अलंद है, अफजलपुर है, चिंचोली है, उसके भी कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने रिजेक्शन जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लाकर रेस्पेक्टिव जो JDS टीम है वहां पर वॉलंटियर है उनको आप हैंड ओवर करिए 15 तारीख से पहले। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ पेरेंट्स को खास तौर पर कि याद रखिए, अल्लाह ताला ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं उस कौम की मदद नहीं करता जो खुद की मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हर किसी को आगे बढ़ना। देखिए स्टूडेंट की कोई जात धर्म नहीं रहता, स्टूडेंट का काम है माँ बाप अपने पेट को काट कर मेहनत करके जिद्दोजहद करके स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं। और दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो जब पढ़ाने के बाद भी ये लोगों को नौकरी नहीं मिली, खासतौर पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पे, रिसेंटली वाड़ी के नौजवान कुछ नौजवान हम लोगों को JDS टीम को रिक्वेस्ट किए वीडियो के माध्यम से कि उनको जॉब नहीं मिली। अगर जॉब मिली तो भी रिकमेंडेशन पूछा जा रहा, पैसा पूछा जा रहा नौकरी के लिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं वो नौजवानों की हिम्मत की तारीफ करता हूं मैं और सलाम करता हूं मैं ऐसे नौजवानों को जो हिम्मत कर आगे बढ़ रहे, वो भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में। तो गुलबर्गा के नौजवानों को वो लोगों से सीखना बहुत जरूरी है कि जब तक ऐसे ये नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको हक कैसे मिलेगा। देखिए जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है, हक के लिए आपको लड़ना है, तो हक लड़ने के लिए आपको हक हासिल करने के लिए लड़ना भी बहुत जरूरी है। तो तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि हक के लिए लड़ना सीखो और हमारा साथ दो। स्कॉलरशिप के ऊपर बराबर हम लोग मूवमेंट लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट हम बराबर करेंगे। और ये जो हुकूमत है कर्नाटक की हुकूमत और ये जो कांग्रेस जो अपोजिशन जो अपने आपको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को थी, इनको मैं क्लियर मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये हम ना बीजेपी ना हम कांग्रेस, हम लोग जनता दल पार्टी की टीम है। हम लोग वी आर JDS।
हमने हमें दावर हक निकालना, हम सीधे स्वयं आज और बराबर हम वो निकालेंगे, हक दिलाएंगे। तो बस उसके लिए क्या है, आवाम को हमारा साथ देना बहुत जरूरी है। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए। सारे स्टूडेंट जो भी इश्यूज में अफेक्ट है, लेट देम कॉन्टेक्ट अस, डेफिनेटली विल स्टैंड फॉर देम और बराबर उनको मदद करेंगे और उनके हक के लिए आवाज उठाएंगे और जस्टिस दिला के रहेंगे। ये जेडीएस का वादा है आप लोगों से। थैंक यू। बेलारी नमस्कार, ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಕಡ್ಲಾ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯುವಕರು ವಾಡಿಲಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಈ ತಗೊಂಡು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬರೋದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂತ ಅವರು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, 70% ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ, ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಬರುವುದ ವಿಷಯದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತ ಶೋರ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶಫಿ ಬಾಬಾ. ಇವತ್ತು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನದ್ದು ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಲತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಭೀ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರಲಾಗ್ಯದ. ಇದ್ರ ಸಲಕ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಯಾರು ಭೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರು ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಿಟಿ ಇರ್ಲಕ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಕ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಭೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಕ್ರಿ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಭೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರು ಇದು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಭೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.